दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कैसे वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करके ले सकते हैं अपने मोबाइल से। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अपने यूजर को, अपने कस्टमर को आप वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड देना शुरू कर दिया है। ये सर्विस पहले नहीं था, हाल फिलहाल में ही अपने मोबाइल एप्लीकेशन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यह सर्विस लॉन्च किया है। तो कैसे आप इसको एक्टिव कीजिएगा और उसको यूज कीजिएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके मोबाइल बैंकिंग को ओपन कर लेंगे, उसके बाद अपना एम पिन डालकर इसमें लॉग इन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस ऐप को एक्टिवेट भी करना होता है। एक्टिवेशन वगैरह कैसे कीजिएगा हम डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया। उसके बाद यहाँ से अपना एम पिन डालकर इसमें लॉग इन कर लेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद अपना वर्चुअल एटीएम कार्ड एक्टिव करने के लिए इसमें आपको टोटल दो ऑप्शन मिलता है। पहला आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप देखिए डेबिट कार्ड, आप जब इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं तो क्या आपको सबसे नीचे में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप बैक आते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो क्या आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई वर्चुअल डेबिट कार्ड, इसी के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका अकाउंट नंबर ऊपर में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा वर्चुअल एटीएम कार्ड मिलेगा तो क्या उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ बता रहे कि रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड, अर्थात आपको रुपये का जो वर्चुअल एटीएम कार्ड होता है वो आपको मिलेगा। उसके फीचर्स और बेनिफिट, आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल पूर्वक सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे इस एटीएम कार्ड को लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी पे नहीं करना पड़ता है और आप इसका केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और आपको एक टी पिन डालना होगा। इस ऐप को चालू करने के लिए जो भी अपना ट्रांजेक्शन पिन बनाए होंगे आपको यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे अपना ट्रांजेक्शन पिन डालते हैं आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक बार फिर से कन्फर्मेशन के लिए बोला जाएगा, अपना अकाउंट नंबर आपको ये वाला कार्ड मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। नीचे में आपसे मिलता है कन्फर्म का, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमें देखिए बता रहे कि ऑलरेडी एक्टिव कार्ड इज प्रेजेंट फॉर गिविंग अकाउंट, अर्थात इस अकाउंट के साथ मेरा एक ऑलरेडी एटीएम कार्ड एक्टिव किया हुआ है। अगर आपके अकाउंट के साथ नहीं रहेगा आप एक्टिव कर सकते हैं। चलिए आपको उसके बाद दिखाते हैं आप कैसे इसको देख सकते हैं एक्टिव जब आपका एटीएम कार्ड हो जाता है। तो एक्टिव हो जाने के बाद आपको कार्ड का पूरा डिटेल वगैरह चेक करने के लिए या फिर पिन वगैरह जनरेट करने के लिए ऑप्शन देखिए मिलता है डेबिट कार्ड का। जब आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं तो क्या आपका जो एटीएम कार्ड रहेगा, एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद एटीएम कार्ड एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड का पिन वगैरह सेट रीसेट करना, आप यहां से कार्ड का पिन वगैरह भी बना सकते हैं। कैसे बनाएगा हम डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिए हैं। और देखिए अगर आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई फिजिकल वाला एटीएम कार्ड है तो आप इसका ये वर्चुअल जो एटीएम कार्ड है आप इसको एक्टिव करके यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले आपको अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक अर्थात बंद करना होगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, अर्थात आपने एक वर्चुअल एटीएम कार्ड ले सकता आपको मिलेगा। देखिए मेरे पास फिजिकल एटीएम कार्ड है, उसके बाद फिजिकल का डिटेल भी शो रहा है। इससे पहले हम अपने एक एटीएम कार्ड को एक्टिव करके कंटिन्यू यूज कर रहे थे। तो अगर आपके पास फिजिकल एटीएम कार्ड है तो पहले आपको एटीएम कार्ड को बंद करना का वर्चुअल एटीएम कार्ड लेने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा तो कुछ इस प्रकार आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड को एक्टिव करके यूज कर सकते हैं, आपको वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड मिल जाता है। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।